हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए भी सब बढ़िया। तो आगे 2.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले वीडियो में देख चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सेकंड में मैं जो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेने से पहले मैं पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। जब किसी की पावर जीरो होगी, जैसे मैं बात करता किसी की पावर 7 की पावर जीरो क्या आएगा आंसर 1, 2 की पावर जीरो क्या आएगा आंसर 1, तो 1,04,000 इसकी पावर जीरो कर दो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये बात पक्का है कि जब भी पावर क्या होगी जीरो, पावर में ऊपर जीरो होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। दूसरी बात, एक और बात क्लियर कर दूं, यदि 1 या फिर 6 की बात करूं, 6 की पावर यदि -1 लिखा, तो जब भी पावर -1 लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। 6 की पावर -1 लिखा तो 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूँ और दूसरी चीजों की, यदि 1/4 की पावर या फिर मैं कहता हूँ 2/4 की पावर क्या लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, सॉरी -1 कर लेता हूँ, -1 लिखा है, तो सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, माइनस हट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो -1 लिखा हुआ तो आप ऐसे चेंज करने वाले। इसे सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसे सोल्व करने वाले, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। चलिए फिर सेकंड के एक क्वेश्चन पर आते हैं, फिर बी पर आएंगे, फिर सी पर, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। सेकंड के ए नंबर के क्वेश्चन पर, ए नंबर का क्वेश्चन समझ रहे हैं, लिखा हुआ है पहले ब्रैकेट है, फिर हमारे पास 7 की पावर 0, याद है 7 की पावर 0 का क्या आएगा भाई 1, 4 की पावर क्या लिखा हुआ है -1, फिर ब्रैकेट है क्लोज, -1 की ब्रैकेट क्लोज है, फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान, समझेंगे पहले तो ब्रैकेट, बोर्ड मास्टर में क्या था, पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 की पावर 0 इसका मतलब हो गया 1, फिर मैंने अभी बताया जब 6 की पावर या किसी की पावर माइनस पर होगी तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ये इस प्रकार से ब्रैकेट हो गया, इनटू 2 का स्क्वायर, 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर 2 या 4 हो जाएगा। यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है हमें, चलिए एलसीएम लेते हैं, 1/4 का एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 4, या फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकता हूं, 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, बीच में आएगा प्लस, तो भी प्लस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल होता है क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। तो क्या ये आसान था? हाँ आसान था, बहुत ही आसान था। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, ए नंबर का समझ लिया, तो बी पर आ जाते हैं, बी पर आते हैं भाई, बी वाला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं सहज सरल हो, बी वाले पर आ जाता हूं, तो बी वाला मेरे पास 5 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, हमारे पास है 5 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 और हमारे पास लिखा हुआ है 3 की पावर -1 और एक मजेदार बात, इस पूरे की पावर क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है, स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे, मैंने पहले बताया जब पावर -1 होगा तो कैसा करेंगे, इसे लिखेंगे 1/5, इसे लिखेंगे 1/4 और ये 3 की पावर -1 तो 1/ क्या हो जाएगा 3 और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर बाद में करते, पहले तो ऐसे में ऐसे लेंगे 5, 4 और 3, ये जो सारे क्या है को प्राइम नंबर है, तो चलिए से 5, 4 या 20 या 60 आ जाएगा, तो एलसीएम की यदि मैं बात करूं तो एलसीएम मेरे पास आ गया 60, 60 के बाद मैं बात करता हूँ 5 की टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 5 की टेबल तो आपसे 50 तक ही बनती है, फिर क्या करेंगे, चलिए 60 किसकी टेबल 5 बार में आ जाता है भाई, 5 बार में तो मुझे लगता है 12 5 60 होता है, 12 बार में आ जाएगा, तो 5 की टेबल में 60, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स हो जाएगा, तो ऊपर 12 का मल्टीप्लाई हुआ 12 बन गया 12, इसी प्रकार से 4 का 4 टाइम्स भी किसमें 60 आएगा तो 15, 4 या 60 होता तो 15 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 15, फिर बात करते हैं 3 की टेबल 60 कितनी बार में आएगा, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा प्लस में 20। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले आ जाए वापस, इस पूरे की पावर में 2 लगा हुआ है, यहां पर भी 2 है तो यहां पर भी मैं 2 कर दूंगा, ये बात है समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, 15 प्लस 20, 20 प्लस 10, 30, 35, 10 और जोड़ेंगे 45 और हो जाएगा 47, तो 47 अपॉन 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया जाता है 47 मल्टीप्लाई बाय 47 और डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो जल्दी से 47 का 47 से मल्टीप्लाई कर लेते 47 × 47, चलिए 7 की टेबल होती है, हाँ 7 7 49 कैरी आया 4, 7 4 28 प्लस 4 32,
इसी पर से क्या हमसे फोर की टेबल बनती है, हाँ क्या 4 7 28 होता है, बहुत बढ़िया 2 आ गया, और वो 16 + 2 18 हो गया, तो ये आ जाता है 9 8 2 10 कैरी 1, 8 + 1 सॉरी 3 + 1 4 8 4 12 कैरी 1 1 1 2, तो ये अपने पास आ गया 2209, तो ऊपर के लिए आ जाता है हमारे पास 2209 और नीचे 16 × 60 3600, तो 2209 नीचे आ गया 3600। तो क्या ये सवाल भी बन गया? हाँ। क्या आसान था? हाँ। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, सी वाले पर बढ़ जाता हूँ, देखते हैं शायद सी कठिन हो। भाई आपके लिए तो सारे क्वेश्चन ही आसान आ रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आसान है। चलिए सी पर आ जाते हैं, 1/4 की पावर है -1 ब्रैकेट है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट है, 1/4 की पावर है -1 फिर लिखा हुआ है -1/5 की पावर -1 और इसके बाद इस पूरे की पावर भी है -1। क्या मैंने पहले भी आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं, 1/4 है -1 है तो ये पलट जाएंगे 4 ऊपर 1 नीचे, तो ये डायरेक्ट आ जाता अपने पास 4, समझेंगे 4 माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का आएगा, नीचे डिवाइड में 1 लिखूं नहीं लिखूं सही है सर, ओके तो ये हो गया 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर कितनी हो जाएगी -1। अच्छा चार में से क्या 5 घटा दे बनता है, कभी घटाया क्या 4 में से 5, 4 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा इंटीजर वैल्यू आएगी, तो 4 में से 5 माइनस करने पर आता है अपने पास -1, तो इसे लिखेंगे -1 ऐसा हो जाएगा, ये होगा -1 की पावर -1, तो -1 की पावर -1 तो क्या आ जाएगी 1/-1 आ जाएगा, 1/-1 इसको भी सॉल्व करें तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा आंसर -1। तो हमने ए किया है आसान था, बी किया है आसान था, सी किया है वो भी आसान था, चलिए आ जाते हैं डी वाले क्वेश्चन पर। डी वाला क्वेश्चन तो इतना ज्यादा सरल है कि आपसे बन ही जाना चाहिए बिना बताए, मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से सरल है। चलिए एक बार मैं नोट डाउन कर ही लेता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी जगह और ले रहा हूँ, नोट तरीके से कीजिएगा भाई। चलिए तो फिर डी पर आते हैं, डी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्यों सरल कह रहे हैं, सर क्यों कह रहे हैं कि सरल है, आप समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। पहले तो मैं क्वेश्चन नोट कर लू, ये है मेरे पास 3 2 की पावर -2 फिर लिखा हुआ है +4 2 की पावर -2 4 की पावर -2 है, फिर मेरे पास जो लिखा हुआ है वो -5 की पावर -2 फिर इस पूरे की पावर लिखा हुआ है 0। अभी लग रहा है क्या सरल है, क्योंकि पूरे की पावर 0 तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या कहेगा 1। आप कारण भी देख सकते हैं कि होल पावर इज 0, ठीक है, जब पूरे की पावर 0 है बिकॉज करके आप कारण दे सकते हैं, बिकॉज करके कारण देंगे x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता है, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 1। ये आसान है, इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है आप इसको पूरा सॉल्व करें फिर पावर 0 करें तभी 1 आएगा, चाहे ऐसा कर ले चाहे वैसा कर ले दोनों में आंसर सही आएगा। चलिए डी वाला आपको मैंने बता दिया, क्या ये सारी चीजें आसान है, हाँ। चलिए ई वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा भी लगता है, चलिए ई वाला क्वेश्चन मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पर। ई वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ई वाला क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, 1/3 की पावर है -1 1/3 की पावर है -1 फिर प्लस है 1/4 की पावर -1 1/4 की पावर है -1 इसी प्रकार से एक और प्लस है 1/6 की पावर है -1 तो प्लस करके लिखा हुआ है 1/6 की पावर -1। यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मैं तो ले लू, यदि मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं तो बहुत ही आसान, क्या मैंने आपको -1 के बारे में बताया है, हाँ। तो क्या 3 ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा, बहुत बढ़िया 1 से डिवाइड हो जाएगा 1 नहीं भी लिखेंगे नीचे तो चल जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया 1 नीचे नहीं लिखोगे चल जाएगा, तो जल्दी से बात करते 3 ऊपर चला गया 3 + 4 चला गया ऊपर +6 चला गया, क्या ये बात बनती है कि आपसे बन गया ये सवाल, हाँ बन गया आपसे, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। क्या ये क्वेश्चन आसान है, हाँ भाई आपकी ये वाली क्लास की ये वाली गणित ये वाली मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान है। तो चलिए भाई जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, ए बी यहां तक है, सी वो ऊपर तक, डी यहां पर है और ई यहां पर सॉल्व किया है, तो इसे नोट डाउन कर लें। इसे नोट डाउन करने के बाद हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे देख लेते हैं, हमारे पास बचेगा एफ जी और एच, जब इसे नोट डाउन करें, अभी तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके मैं मिटा सकता हूँ ना, तो चलिए मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आसान है भाई, करना क्या रहता है, मैंने पहले भी कहा है क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता, आपको करना क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से बन जाएगा, और जितनी कम मेहनत करेंगे क्वेश्चन उतने ही कठिन लगेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन आसान है, सिर्फ मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए सवाल बन जाएंगे। चलिए फिर आप किस पर आते हैं भाई, आपको मैंने डी बता दिया, आपको मैंने ई बता दिया, ई बताने लायक भी नहीं था लेकिन फिर भी बता दिया, आसान है ना, 3 + 4 + 6 तो युक्त करना था। चलिए मैं एफ पर आ जाता हूँ और एफ को देखता हूँ एफ किस प्रकार से करना है। एफ नंबर का क्वेश्चन 2.1 का सेकंड का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। तो एफ नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और कठिन जैसा दिखाई देता है, क्या है देखते हैं भाई, क्या कठिन है? नहीं, अब सर करवाई रहे तो क्या कठिन होगा भाई आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेता हूँ वाला क्वेश्चन, मेरे पास है वाला क्वेश्चन में ब्रैकेट है 1/3 की पावर -3, 1/3 की पावर है -3, 1/3 की पावर -3, -1/2, 1/2 की पावर कितनी है भाई -3। ये तो कठिन क्वेश्चन होता जा रहा है भाई, क्या कठिन है? नहीं आसान है, अभी मैं बता दूंगा, इतना सरल कि आप सर हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। तो चलिए 1/4 की पावर क्या है -3, ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, क्या मैंने पहले बताया माइनस, यदि पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो 3 की पावर ऊपर जाके मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था, चलिए मैं बता देता हूँ, 1 की पावर -3 लिख सकता हूँ, 3 की पावर -3 लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा नीचे 1 आएगा, 1 यदि ऊपर है उसे नीचे करोगे डिवाइड में तो नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलो करते, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 लेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आसान है? हाँ, -3 है ऊपर चला जाता +3, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है इसलिए नीचे 1 लिखना मैं जरूरी नहीं समझता, नहीं लिखेंगे बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। क्या 3 की पावर 3 सॉल्व करते बताता है? हाँ, कैसे सॉल्व करते, 3 की पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 × 3 27, तो क्या आपसे बन गया है? हाँ भाई आपसे तो बन गया है, 27 माइनस 2 की पावर 3, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ऐसा करना है क्या? नहीं, क्या करना है आपको, 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 27 माइनस 8 आ गया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय में है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 4 × 4 × 4, क्योंकि ऊपर 3 लिखा है इसलिए अपन ने 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लिया, 3 बार, 4 × 4 = 16, 4 × 24, तो आपसे ये भी बन गया, डिवाइड में आ गया 64। अब 27 में से 8 घटाना है, क्या माइनस करते बनता है? हाँ चलो 7 माइनस किया 20, एक और माइनस करना था क्या, चलो तो एक और माइनस किया आ गया 19 अपॉन में 64। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? नहीं, क्या आपको लग रहा था? हाँ अब बन जाएगा, बन जाएगा। चलो तो मैंने क्या करवाया आपको, एफ वाला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम जी वाले क्वेश्चन पर। चलिए जी, तो जी वाले क्वेश्चन पर चलिए, जी तो जी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है -7 की पावर -1, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप भाई पूछिएगा ना मुझसे कि समझ में नहीं आया सर कहां पर है, ये भी बताएं मुझे, कैसे बताएंगे, YouTube आपको प्रोबेबिलिटी प्रदान कर रहा है कि आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 7 की पावर -1 -8 की पावर -1, अरे भाई इसके भी ऊपर ब्रैकेट, इसके भी ऊपर ब्रैकेट -1, भाई ध्यान देना ये लाइन नहीं खींची है, ये -1 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे अच्छे से, -1 फिर लिखा हुआ माइनस के और भी बड़ा क्वेश्चन कर दिया है, ये तो बड़ा होता जा रहा है। ये हो गया 3 की पावर -1, 3 की पावर -1, और फिर लिखा है माइनस, माइनस के बाद फिर से लिखा हुआ है 4 की पावर -1, फिर और है फिर इसकी भी पावर -1, भाई इतना कठिन क्वेश्चन कौन देता है। चलिए फिर भी कर लेते हैं, कठिन थोड़ी होता है कुछ, क्या जरूरत होती है, मैंने पहले भी कहा आपको कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या करना है आपको प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए उतना ज्यादा आसान। तो -7 की पावर -1 है, क्योंकि पावर -1 है और 1 है इसलिए 1/7 ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास इस प्रकार से 1/7। आगे बात करता हूं, जैसे कि ये 8 लिखा हुआ है तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट कर लूं, और ये 8 की पावर -1 है तो इसे भी चेंज कर सकता हूं, ये हो जाएगा 1/8, तो ये तो आसान है भाई, ये बन जाएगा आपसे, उसकी पावर लेकिन -1 है ये लिखना भूलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने -1, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे 3 की पावर -1 है, क्योंकि 3 की पावर -1 है तो क्या मैं -1 को नीचे ला सकता था, हाँ बिल्कुल, इस प्रकार से 1 या 1 में लिख दूं, है ना,
थ्री की पावर माइनस वन, थ्री की पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन थ्री की पावर प्लस का वन। तो चलिए थ्री की पावर प्लस का वन मतलब थ्री ही लिखना है, तो ये हो गया वन अपॉन थ्री इस प्रकार से, और माइनस का भी क्या लिखेंगे वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर इस प्रकार से आ गया। इस पूरे की पावर भी क्या है माइनस वन, तो चलिए इस पूरे की पावर माइनस वन ये भी सॉल्व कर लिया हमने। अभी तक हमने नोट किया सही तरीके से लिखा है, सॉल्व नहीं किया है, चलिए सॉल्व करना चालू कर दे। क्या आपसे एलसीएम लेते बनता है? हाँ। क्या सेवन और एट का एलसीएम लेते बन जाएगा? हाँ। क्या सेवन और एट किसी एक की टेबल एक साथ नहीं आते? नहीं। तो एट सेवन का 56, एट सेवन का 56 56 होता है भाई। सेवन की टेबल में 56 कितनी बार में? एट टाइम्स ऊपर, एट का वन कितना है? एट। सेवन का वन से मल्टीप्लाई है सेवन, और जो कि बीच में माइनस लगा तो माइनस नोट कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। एट का वन से सेवन का, वन से और एट से 56 हो गया। माइनस का साइन है और यहां पर लिखा हुआ है पावर माइनस वन। अब इसके लिए जल्दी से करेंगे, क्या लिखा हुआ है वन अपॉन थ्री, तो जल्दी से करा भाई। थ्री और फोर का एलसीएम, क्या थ्री और फोर एक साथ किसी की टेबल में आते? नहीं। तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई वन से, माइनस थ्री का वहां मल्टीप्लाई थ्री हो गया थ्री से, पावर में आ गया माइनस वन। एट में से सेवन माइनस करेंगे कितना हो जाएगा वन अपॉन 56 हो गया, पावर में है माइनस वन। माइनस फोर में से थ्री माइनस करेंगे कितना बचेगा? बहुत ही आसान, वन बचेगा, और अपॉन में ट्वेल्व है, पावर में माइनस वन है। क्या मैंने पहले भी बताया पावर में माइनस वन, तो इन दोनों को ऊपर कर दूंगा, तो 56 चला जाएगा ऊपर, माइनस ट्वेल्व चला जाएगा ऊपर। तो क्या 56 में से 12 घटाना आसान है? 6 में से 2 गया, 4 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, और आंसर आ गया अपने पास 44। तो क्या ये वाला क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? ये बन जाएगा भाई। तो आपको जी बता दिया है, चलिए एच भी कर ही लेता हूँ ना आपके लिए, क्यों छोड़ू, क्यों मेहनत करूंगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिएगा। पर मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ, एच पर आ जाते हैं। एच नंबर का क्वेश्चन है माइनस थ्री की पावर माइनस वन, अजीब बात है माइनस थ्री नहीं है थ्री है, तो लिखते हैं थ्री की पावर माइनस वन, फिर इंटू है टू की पावर माइनस वन, टू की पावर भी माइनस वन, कितनी कितनी माइनस वन है, चलिए तो थ्री की पावर माइनस वन, टू की पावर माइनस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइडेड बाय फोर की पावर माइनस वन, डिवाइडेड बाय फोर की पावर माइनस वन। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, थ्री की पावर माइनस वन, थ्री पावर माइनस वन इसके वन के अकाउंट में चला जाएगा, वन के अकाउंट में जाने के बाद जाएगा वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय ये क्या है वन अपॉन फोर, माइनस वन लिखा हुआ ना भाई, तो वन अपॉन फोर करेंगे तो थ्री टू या सिक्स हो गया, वन अपॉन सिक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर। तो ये अपने पास फाइनल सोल्यूशन आया, लेकिन इसको और सॉल्व किया जाता है भाई। मैं आपको बता दू फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं करना चाहता मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर ऊपर वन नीचे, फोर अपॉन वन कैंसिल करेंगे, टू थ्री या सिक्स, टू टू या फोर, और फाइनल आंसर अपने पास टू अपॉन थ्री। तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, समझेंगे, वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताया, इसका मतलब नहीं एक क्वेश्चन बताया, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भाई आठ क्वेश्चन थे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के साथ वापस आ जाता हूँ। तो तब तक के लिए इसे नोट डाउन करें, गणित की प्रैक्टिस करते जाए, शेयर करें भाई, अपने स्टूडेंट्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इस प्रकार से आप मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन जब तक आता है तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।